कनाडा की संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का आरोप जिस अफसर पर लगाया उसका नाम लीक कर दिया गया है। ये आईपीएस अधिकारी पवन कुमार रॉय है जो कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्टेशन प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। सूत्रों के मुताबिक नाम को कनाडा के विदेश मंत्रालय ने ही लीक किया है। उन पर इल्जाम लगाकर कनाडा से वापस भारत लौटा दिया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने पीके रॉय के लिए सुरक्षा मांगी है। पंजाब पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी पवन कुमार को भारत ने कनाडा में राजनयिक के तौर पर भेजा था। कनाडा से जिस भारतीय राजनयिक को निष्कासित करके भारत वापस भेजा गया है वो दरअसल पंजाब कैडर के एक आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने लंबे वक्त तक पंजाब में अपनी सेवाएं दी है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार रॉय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं, लेकिन रॉ में डेप्यूटेशन पर जाने से पहले वो लंबे समय तक पंजाब पुलिस में तैनात रहे। पवन कुमार रॉय पंजाब के मोगा, अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा से सटे जिले तरन तारन के एसएसपी रह चुके हैं। इसके अलावा अमृतसर और जालंधर में बतौर एसपी भी उन्होंने पंजाब पुलिस के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दी। पंजाब में तैनाती के दौरान आईपीएस पवन कुमार रॉय तब चर्चा में आए जब उन्होंने विधायक की गाड़ी से 100 किलो हीरोइन बरामद की थी। जुलाई 2010 को पवन कुमार रॉय को डेप्यूटेशन पर रॉ में भेज दिया गया था। उनके साथ के अफसर इस वक्त पंजाब पुलिस में एडिशनल डीजीपी के पद पर तैनात है। पवन कुमार रॉय को पंजाब पुलिस में सख्त रवैये और ईमानदार छवि की वजह से एक अलग पहचान मिली और इसी वजह से ड्रग्स के खिलाफ उनके द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत राजनीतिक तौर पर उनके कई नेताओं के साथ टकराव भी रहे। नेताओं ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया जिसके बाद रॉय ने केंद्र में डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दिया और 2010 में पंजाब पुलिस से उन्हें डेप्यूटेशन पर रॉ में भेजा गया। 8 साल तक रॉ में अलग अलग पदों पर रहने के बाद उन्हें 2018 में विदेश विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया गया और कनाडा में बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। आमतौर पर किसी भी राजनयिक को निष्कासित किए जाने के दौरान उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाता है, लेकिन कनाडा सरकार ने पवन कुमार रॉय को लेकर तमाम जानकारियां और उनका प्रोफाइल लीक कर दिया।